हेलो बच्चों बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सातवीं कक्षा का। जो यह पाठ हम पढ़ रहे थे दो लघु कथाएं, बच्चों अगर आपको याद होगा तो पिछली वीडियो में मैंने आपको हिंदी कालांश के दौरान पहली जो कहानी थी इसकी दो लघु कथाओं में जो पहली कथा थी उसके बारे में बताया था, हरा घोड़ा, याद आया आपको? हाँ, तो वो कथा अपनी हो चुकी थी बराबर। अब दूसरी जो कहानी है हमारी वह एक चित्रकार और एक सेठ की कहानी है जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि पिछली कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो बच्चों फिर से ध्यान देना आप, अब मैं दूसरी कहानी जो है उसकी शुरुआत करने जा रही हूँ। दो लघु कथाएं, जैसा कि हमने देखा था कि दो लघु कथाएं में हम यहाँ पर अकबर बीरबल की कहानियों में से दो कहानियाँ पढ़ रहे हैं जिसमें हम बीरबल की बुद्धिमानी और वो किस तरह से किसी भी समस्या को निपटाने में कितने कुशल थे यह चीज़ हम लोग देख रहे हैं। तब हम आगे देखेंगे बच्चों की हमारा जो दूसरी कहानी है वह कौन सी है। मैंने आपको जैसा कि बताया जो हमारी दूसरी कहानी है वह है सेठ का चित्र। ठीक है, पहले हम इस कहानी को पढ़ते हैं बच्चों। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था, वह बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाकर लाओ। बच्चों आप इस कहानी का शीर्षक क्या देखा आपने? सेठ का चित्र। और आप यहाँ पर जानते हैं कि जो सेठ है वह कैसा है, वह हमेशा दूसरों को परेशान करने में ही सेठ को बहुत मजा आता है। जैसा कि आपने इस कहानी के दौरान इस परिच्छेद में देखा है कि उसने एक चित्रकार को अपना चित्र बनाने के लिए कहा, और जैसे ही चित्रकार ने उसके चित्र को बना के सेठ को दिखाया तो सेठ उसको बोलते हैं कि नहीं, मेरा चित्र तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जाओ फिर से बना के लाओ, तभी तुम्हें पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि वह जो सेठ है उसके बारे में एक और बात बहुत प्रसिद्ध थी कि वह बहुत ही कंजूस था। तो हम आगे की कहानी देखते हैं बच्चों। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ के सभी चित्रों के पैसों का तकादा कर लिया। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे? तकादा कर लिया मतलब क्या होता है बच्चों? तकादा करने का अर्थ होता है कि जितना भी उसका था वो सब उसने एक तरह से उसको बता दिया। तो धूर्त सेठ, झूठा जो सेठ था, उसने तुरंत क्या बोला कि कैसे पैसे, जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात का दूं। बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। जैसा कि हम सबको पता है कि जब हमारे घर में कोई भी परेशानी होती है तो हम अपने जो परिवार के लोग रहते हैं उनके साथ में परेशानी को बांटते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसे शेयर करते हैं ताकि कहीं ना कहीं से उसका जो है सॉल्यूशन मिले, उसकी जो समस्या का निराकरण हो। और यह बात यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, इस कहानी में भी देख रहे हैं कि किस तरह से सेठ जब परेशान था अपने घर पहुँचता है तो वहाँ पर पहुँचते ही सेठ की सॉरी चित्रकार की पत्नी ने देखा कि आज चित्रकार बहुत ज़्यादा चिंतित है, तो क्या कारण है वह उससे बात करने लगी। और आपको पता है कि उसकी पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। फरियाद करना मतलब प्रार्थना करना। चित्रकार बहुत उदास हो गया था, वह मुंह लटका कर बैठ गया। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे, भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा। चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते, बादशाह अकबर बहुत दयालु हैं, वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं परंतु बड़े बुद्धिमान हैं, उनकी सहायता के लिए दरबार में नौ नौ रत्न हैं, आप वहाँ जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। बच्चों आपने एक बात यहाँ पर नोटिस की होगी, अगर आपने गौर किया है तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो बादशाह अकबर थे ना वे बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके जो दरबार में नौ रत्न थे उनकी मदद से उनका न्याय बहुत अच्छा और सबके लिए एक जैसा होता था। और यही कारण था कि जो बादशाह अकबर है यह सबके प्रिय राजा हुआ करते थे। तो यहाँ पर जो चित्रकार की पत्नी है वह चित्रकार को समझाती हैं कि सब एक जैसे नहीं होते हैं, आप दरबार में जाइए, न्याय के लिए फरियाद कीजिए, आपको भी न्याय जरूर मिलेगा। और इस बात को बताने के बाद जो चित्रकार है वह अपनी पत्नी की बात के ऊपर अमल करते हैं और वो दूसरे दिन दरबार में जाने के बारे में सोचने लगते हैं। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया।
बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारी इन चित्रों में क्या कमी है? अकबर जी ने बादशाह अकबर ने भी पूछा कि आखिर सेठ से कि तुम्हारे इन चित्रों में तुम्हें क्या कमी लग रही है? मुझे तो सब तुम्हारे चित्र अच्छे लग रहे हैं। हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे के जैसा नहीं है, सेठ ने कहा। वहां पर भी सेठ ने अपनी वही बात रखी। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करे। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कहा। आप सबको पता है कि अगर अकबर बीरबल की कहानियां चल रही हैं तो हमेशा जो है अकबर जो है किसके ऊपर निर्भर रहते थे? बीरबल, क्योंकि उन्हें पता था कि जो बीरबल है उनकी जो उनका जो न्याय होता है वह निष्पक्ष होता है और सभी के लिए एक जैसा होता है। तो अंत में फिर से वही देखिए, आप फिर से किसके पास जाते हैं? अकबर, जो राजा अकबर है वे बीरबल के पास जाते हैं और उन्हें न्याय करने के लिए कहते हैं। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि शेर चेहरा बदलने में निपुण है। जैसे ही पूरी कहानी किससे जो थे वो सुना, बीरबल को समझ में आ गया कि सेठ की ही गलती है, सेठ ही जो है वह धूर्त है और वह क्या कर रहा है, चित्रकार को फंसाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जो सेठ है उसे बहुत अच्छे से पता है कि किस तरह से बिना पैसे दिए भी वो चित्र ले सकता है। तो यह बात जैसे ही बीरबल जी को समझ में आती है, वे आगे क्या करते हैं देखते हैं। चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए वह नाटक कर रहा था। उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। जिस भी देश में बोलो, जिस भी क्षेत्र में बोलो, जिस भी राज्य में बोलो, जहाँ पे कला का सम्मान होता है और कलाकारों का सम्मान होता है, वह जगह वह भूमि जो होती है वह हमेशा आगे बढ़ती है, हमेशा सफलता को प्राप्त करती है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। अब जो राजा अकबर हैं उनके बोलने के बाद बीरबल जी फिर से अब चित्रकार को किस तरह से सॉरी सेठ को किस तरह से फंसाना चाहिए उसके बारे में युक्ति लगाई और उन्होंने क्या कहा कि अरे सेठ, तुम्हारे चित्रों में तो सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार ले आना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। दोनों से बातें हो गई और दोनों अपने अपने स्थान जाने लगे। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। दर्पण का अर्थ होता है बच्चों आईना, मिरर, ठीक है। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। आपको समझ में आ रहा है ये युक्ति किसकी है? यह जो बीरबल जी है उनकी युक्ति है। जिस तरह से उन्होंने चित्रकार को बताया था, चित्रकार ने भी सेठ के साथ में वैसे ही व्यवहार करना शुरू कर दिया। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मीन्स परछाई जो होती है, बिंब जो अपना जो शेडो होता है, देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। वह देखते ही चिल्ला उठा कि अरे यह तो शीशा है, आईना है, दर्पण है, नहीं यह तो असली चित्र है। चित्रकार ने क्या कहा सेठ से? नहीं यह तो असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? सेठ बोला, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। आप कहानी समझ में आई बच्चों, किस तरह से बीरबल जी के न्याय की वजह से चित्रकार को उसके पैसे मिल गए और जो धूर्त सेठ था वह भी समझ गया था कहीं ना कहीं कि उसकी बातों को आप सब जानते हैं, इसलिए उसने अपनी गलती को मान लिया और चित्रकार को पैसे दे दिए और वो सब दोनों वहां से चले गए। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपने बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया था। जो एक मुहावरा है, दूध का दूध पानी का पानी कर देना, मतलब जो जैसा होता है उसको उसी तरह से न्याय दे देना। तो यहाँ पे भी आपने देखा किस तरह से हर समस्या का निराकरण जो था, निवारण जो था, वो किसके पास था? बीरबल के पास होता था। यही एक कारण था बच्चों की जो राजा अकबर थे वे भी अपने 9 रत्नों में से बीरबल जी को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि बीरबल जी हाजिर जवाब
और हर एक समस्या जिस तरह से अकबर को चाहिए उनको, हर एक समस्या का निवारण जो था वो बीरबल के पास होता ही था, और इसलिए वे सबके प्रिय होते थे। और यही एक कारण है कि हम सबको, आपको, मुझे और सबको ये जो अकबर बीरबल के कहानी हम पढ़ते हैं, हमें बहुत पसंद आती हैं, क्योंकि यह जो होती हैं हमारे लिए तर्क संबंधी कहानियाँ होती हैं, जिसमें बीरबल के न्याय को, अकबर के निष्पक्ष पक्ष को, और उस समय भी किस तरह से न्याय को अच्छी तरह से दिखाया जाता था, इस बात को दर्शाया जाता है। इनकी हर एक कहानी से हमें कुछ न कुछ सीख जरूर मिलती है। तो बच्चों, आपको समझ में आया अकबर बीरबल की कहानियों में? आज हम लोगों ने दो कहानियाँ पढ़ ली हैं। पिछले वीडियो में एक कहानी पढ़ी थी, हरा घोड़ा, जिसमें अकबर ने हरे घोड़े की डिमांड की थी और किस तरह से अपने बीरबल ने अपने चतुराई से उनकी जो डिमांड थी उसे पूरा किया था। उसी तरह से दूसरी वाली वीडियो में हम लोगों ने, आज के जो वीडियो था उसमें देखा कि किस तरह से सेठ जो है वह चित्र को लेकर कैसे चित्रकार को परेशान कर रहा था, और बाद में बीरबल जी की मदद से चित्रकार को उनके पैसे भी मिल जाते हैं और सेठ भी अपनी गलती मानकर अपने घर चला जाता है। तो इसी तरह से छोटी छोटी जो कहानियाँ होती हैं अकबर बीरबल की, सब बच्चों को पसंद होता है। हम अक्सर यूट्यूब पे देखते हैं या जहाँ पे भी उनकी किताबें मिल जाती है वो पढ़ते हैं। बट यह बहुत पुरानी कहानियाँ हैं और बहुत प्रसिद्ध हैं, इसलिए हम सबको अकबर बीरबल की कहानियाँ बहुत पसंद आती हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि जो दोनों ही कहानी हम लोगों ने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इससे संबंधित प्रश्न उत्तर, कि हमें कितनी ये कहानी समझ में आई है। पहले हम लोग कुछ नए शब्द देख लेते हैं बच्चों। फरियाद का मैंने को बताया था, प्रार्थना करना, याचना करना, किस्सा का अर्थ होता है कहानी, हूबहू का अर्थ होता है बच्चों जैसे का वैसा, एकदम सेम। मेहनताना का अर्थ होता है पारिश्रमिक, जो हम मेहनत करते हैं उसके हिसाब से हमें जो पैसे मिलते हैं उसे बोलते हैं मेहनताना मिलना। हम मैंने आपको बोला था यहाँ पे मुहावरे और कहावते भी आई हैं। पहले हम कहावते देख रहे थे, अंत लाइन में आया था, अंतिम लाइन में ही, दूध का दूध पानी का पानी, सही न्याय करना। मुहावरे, सिर आंखों पर रखना, स्वीकार करना, मात देना, पराजित करना, मुंह लटकाना, उदास हो जाना, उदास होना। तो अभी हम, जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर दिया है बच्चों, तो आपको पता होगा कि मुहावरों का किस तरह से हम परीक्षा में उपयोग करने वाले हैं इसके अर्थ के बारे में। अब आगे हम देखते हैं, अब हम ये दोनों जो कहानी हमने पढ़ा है ना, उससे दोनों से संबंधित इसमें प्रश्न है, ठीक है। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल से खुश हो गए, का मुंह देखने लगे कि होशियारी जान चुकी। क्या होगा बच्चों ये, अगर आपको याद होगा तो? किसी को याद आ रहा है कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए? हाँ, तो इसका उत्तर अपना हो जाएगा कि जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल से, नहीं अभी मैं बता देती हूँ आपको तो आप आराम से समझ। चलो आप इसका एक काम कीजिए, मुझे तो उत्तर पता है लेकिन आप इस उत्तर को आप जरा खुद भी ढूंढिए, ताकि आपको जो है आने वाली परीक्षा की तैयारी भी हो जाएगी और आपको ढूंढने भी आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से ही कोई एक है लेकिन आपको ढूंढना है कि वो कौन सा है। इधर भी सेम काम, क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से, अगर आपको याद होगा, क्या किया था? पैसे मांगे थे, पूरे पैसे मांगे थे, सभी चित्रों के पैसे मांगे थे। पूरे तीनों जो उत्तर देखो एक जैसे ही हैं, लेकिन एग्जैक्ट सही उत्तर कौन सा है, सही विकल्प कौन सा है, वह आपको चुनना है। तो इसके लिए आपको कहानी याद करनी होगी और आपको खुद से यह उत्तर निकालना होगा, ठीक है। चित्रकार की परेशानी का कारण बताओ। आप सबको पता है कि चित्रकार के कारण परेशानी में क्या कारण था? वह सेठ था जो उसके मेहनताने का, उसके पारिश्रमिक का जो था वो पैसा नहीं दे रहा था। तो उससे संबंधित यहाँ पर उत्तर मिल जाएगा आपको। हरे घोड़े के संदर्भ में बीरबल की चतुराई का वर्णन करो। ये कहानी जो है आपको छोटा करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। घोड़े के मालिक की शर्तें लिखो। दो शर्तें थी अगर आपको याद होगा। पहली शर्त क्या थी? कि बादशाह को खुद स्वयं उस घोड़े को लेने जाना होगा, कोई और नहीं जाएगा। और दूसरी शर्त क्या थी अगर आपको याद होगा बच्चों? कि जिस तरह से यह घोड़ा और घोड़ों से अलग है, उसी तरह से सप्ताह के जितने दिन आते हैं उसको छोड़ के जो आठवां दिन मिलेगा उस दिन में जाके घोड़े को लेना है। तो इस तरह से वह जो उत्तर है वह यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी हमने जो प्रश्न उत्तर देखे, मुहावरे देखे, कहावते देखे, शब्दादि देखे, वह आप सब जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में, आपकी जो पुस्तिका आपने बनाई रहेगी, नोटबुक बनाई रहेगी, उसमें लिखना है। तो इस तरह से हमारी यह जो थी दो लघु कथाएं, यह जो पार्ट था 2.3 सेकेंड यूनिट का पहला पार्ट हम बोल सकते हैं, क्योंकि दो जो आगे गए हैं वो ओमिटेड है। तो हमने आज यह पार्ट यहाँ पर कंप्लीट किया। इससे रिलेटेड जो रिटर्न नोट रहेंगे बच्चों आपको समय से मिल जाएगा, उसके भी जो उत्तर रहेंगे वो आप सब अपने हिंदी की पुस्तिका में अच्छे से लिख कर रखेंगे, ताकि आपको एग्जाम के टाइम मदद मिले। और अभी जो यहाँ पे प्रश्न उत्तर देखे हैं उसको भी लिख कर रखिए, जिससे आपको पढ़ने के लिए इजी पड़ेगा।
उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको अच्छे से यह कहानी जो है वह समझ में आ रही होगी। दो लघु कथाएं में हम लोगों ने दो कहानी पढ़ी, कौन कौन सी वो मैंने बता दिया है आपको। फिर से आप यह अच्छे से वीडियो देखना, इसी जो प्रश्न उत्तर आपने पढ़े हैं उसको अच्छे से नोट डाउन करना, ठीक है। अपना ख्याल रखिए और आगे आने वाले हर वीडियो को ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए।